मेहनत करने के बाद हमने फाइनली आज जंग जीत ली है और आज का दिन एक विजय दिवस के रूप में इस देश के करोड़ों खासतौर से आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, इस देश के करोड़ों एसटी एससी लोगों को आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाना, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी इस केस में और आज फाइनली आज 14 नवंबर 2017 को 10:30 बजे कोर्ट नंबर 5 ने जस्टिस कुरिन जोसेफ और जस्टिस वानवती की लीडरशिप की कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया है कि जो मैंने प्रेयर कर दी, जो मैंने आर्गुमेंट किया था इस केस को, हमने ये कहा था कि 3 बैरियर जो एम नागराज के हैं वो हट जाने चाहिए इस, और इसलिए इसको लार्जर बेंच को रिफर होना चाहिए और इस वजह से कोर्ट को ये लगा, पूरा मैटर जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर जजमेंट पास कर दिया कि ये मैटर लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाना चाहिए, ये मैटर रिफर होना चाहिए, ये मैटर आज वो जजमेंट आ गया। और फाइनली इस केस में खास तौर से मैं एमपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के जिन आप सब देशवासियों का, जितने भी इस देश के करोड़ों लोग हैं, आपने मुझे एक मॉरल सपोर्ट किया, हमेशा मेरी इतने फेसबुक यूट्यूब हर जगह मुझे कॉल किया, हर जगह लाइक किया, जिस वजह से आपके मॉरल सपोर्ट के वजह से मैं ये केस जीत पाया। और खास तौर से धन्यवाद ऑल इंडिया एस टी एस सी फेडरेशन का, के पी चौधरी जी का। और फाइनली अब हम लोग ये केस जीत गए हैं और ये केस अब रिफर होगा लार्जर बेंच को। अब लार्जर बेंच में भी देखो, पहला जंग हमने जीत लिया है साथियों, अब नेक्स्ट जंग हमारा है कि इसमें से एम नागराज के 3 बैरियर को खत्म करना है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 16(4)A फंडामेंटल राइट है ये जब सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज खत दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ही एम नागराज को खत्म करने की पावर रखती है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा जंग हम जीत गए, दूसरा जंग भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय।